एपिसोड। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा नाम है अर्पिता एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों को एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखेगा, उसको प्रेस कर, इसको प्रेस जरूर आप लोग कर देना। एंड अगर नोटिफिकेशन चाहते हो मेरे आने वाले अदर वीडियो का तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर प्रेस करना, घंटी सा। ओके, सो आज की वीडियो क्या होने वाला है, आप लोगों को पता है कि पर्पल की हॉल वीडियो होने वाली है, वो भी सेल के ऊपर। तो आप लोग जो लोग मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं करते हो, अगर चाहते हो मुझे फॉलो करना तो डेफिनेटली जाके फॉलो करो @ अर्पिता बिस्वास। बिस्वास इज़ माई इंस्टाग्राम ID और मैं स्क्रीन पे भी दे दूँगी। तो चलो, ये था मेरा इंट्रो, तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो दिस इज़ पर्पल हॉल वीडियो। तो फर्स्ट वो लोग ऐसे रैपअप पे भेजता है, आप लोगों को पता है मैं खोल के रखी थी, देखो सब कुछ चेक करके रखी थी कि ठीक ठाक आया है कि नहीं। तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी, दिस इज NY बेल लिपस्टिक और रन वे मैट लिपस्टिक विथ आर्गन ऑयल। ये लिपस्टिक के बारे में, मैं लिपस्टिक लवर हूँ, मैं क्यों, हर गर्ल लिपस्टिक लवर होती है। सो दिस इज़ द लिपस्टिक। इसकी जो इनर पैकेजिंग है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसके बारे में यूट्यूब में बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखी भी थी इसको, तो मुझे ट्राई भी करना था कि कैसा है। और मैं आप लोगों को इसको मैं लगाई भी थी एक दिन, सो मैं स्वाचेस भी दिखाती हूँ आप लोगों को। लुक एट द स्वाचेस गाइज, मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद आया। इसका जो प्राइस है सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सेल में मुझे शायद ये बहुत ही कम में मिला था, अराउंड 100 के आसपास, क्या उससे भी कम, आई डोंट नो। उसके बाद मेरे पास है डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक, इसके बारे में भी मैं बहुत सुनी थी अफोर्डेबल रेंज में, बट ये लिपस्टिक मुझे शायद 75 रुपीज़ में पड़ा, मुझे याद नहीं है प्राइस, पर मैं मेंशन कर दूँगी। तो आप लोगों के सामने मैं इसको ओपन करके स्वाचेस दिखाती हूँ। रियली गाइज, आई लव लिपस्टिक एंड दिस इज पीची न्यूट सेड्स है इसका जो सेड्स नेम है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। ओ माय गॉड, लुक एट द कलर, उफ, दिस सेड इज अमेजिंग। ये भी मुझे बहुत पसंद आया, ये मैं उतार नहीं सकती। और ये मैं NY बे की जो बुलेट लिपस्टिक आती थी ना पहले बार, जो लोग उसको लॉन्च किया था उन लोगों ने, मैं वो लगाई हूँ। एंड फिर मेरे पास है एक नेल लिक्विजर, सॉरी रिमूवर, एक नेल रिमूवर NY बे की, ये मुझे बहुत कम में मिल गया था, शायद 30 के अराउंड। मैं बहुत हैप्पी थी कि चलो एक ब्रांड हो रहा है, वो भी 30 में मिल रहा है सेल में, आई एम सो हैप्पी। सो 3 प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर आई हैव ये एल्व्स की रोज टोनर, ये रोज टोनर के बारे में मैंने सुनी थी कि बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे इसको लेनी थी। तो इसकी भी रिव्यू मैं कभी ना कभी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर ये अभी मैं ओपन नहीं करूँगी, बस देख लो ये रोज टोनर ऐसी दिखती है। फिर आई हैव दिस वन स्टेक वेटी की प्राइमर, जो मैं आप लोगों के सामने अभी ओपन करूँगी, ये देख सकते हो पैकेजिंग क्या हुआ है, मैं ओपन भी नहीं की हूँ, और मैं आप लोगों के सामने थोड़ा इसका रिव्यू भी दे देती हूँ। और ये प्रोडक्ट के बारे में तो रेटिंग जाके चेक कर लेना आप लोग purple.com पे, डेफिनेटली आप लोगों को पता चलेगा। एंड हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी बोला था कि इस प्राइमर के बारे में थोड़ा रिव्यू देने के लिए, तो मैं अभी दे दे रही हूँ, शायद वो मेरी वीडियो देखती होगी तो डेफिनेटली देखेगी। सो दिस इज़ स्टेक वेकी की प्राइमर, ये ऐसे खोलती है एंड देन मैं थोड़ी सी प्राइमर ली हूँ, शायद आप लोग देख सकते हो। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आपका 2021 तक है, इसका जो सेल्फ लाइफ है ये 2021 तक है, जो होता है हर प्रोडक्ट के। इस प्राइमर को मैं अब ब्लेंड कर रही हूँ, ट्रस्ट मी ये प्राइमर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, ये बहुत स्मूथ प्राइमर है, ये पोर्स को ब्लर भी कर देता है मैंने सुना है, और ये सब स्किन टाइप्स के लिए भी अच्छा है मैंने सुना है। तो मैं हैंड पे ब्लेंड की हूँ, अभी तो फेस पे नहीं ब्लेंड की, उसके साथ डेफिनेटली मैं एक मेकअप लुक शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मुझे ये प्राइमर पसंद आया, आप लोग देख सकते हो
मुझे अच्छा लगा. एंड द लास्ट नॉट द लास्ट दिस इज द एन वाई बेन नेल पेंट. दिस इज एन वाई बेन नेल पेंट, ये है और एक प्रोडक्ट. ये भी मुझे पसंद मता नहीं, इसका स्वाचेस मैं अभी कर नहीं सकती हूँ बिकॉज मेरे हाथ पे नेल पॉलिश ऑलरेडी लगा हुआ है, बट इसका कलर ब्लैक है. आई हैव द इंस्टा ग्लो हाइलाइटर फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस हाइलाइटर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो बहुत कम पड़ जाएगा. ये 03 इसमें मेरा शेड है, आप लोग देख सकते हो. एंड ये इतना ही प्रोडक्ट रहता है, ये ना कुछ होगा ना कुछ होगा, ओके ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसका जो ये. और इसके साथ एक एप्लीकेटर दिया गया है, मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा कि नहीं, पर इसको मैं आप लोगों के सामने थोड़ा स्वाचेस करके दिखाती हूँ. लुक एट द पिगमेंटेशन. ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद आया, स्टिक हाइलाइटर. सो गाइस, तो आज का हॉल वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. और आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं अगेन बोल रही हूँ. एंड आप लोग मुझे कमेंट पे सजेस्ट करना मैं कैसे टाइप की कंटेंट लाऊंगी. थैंक यू सो